आपके लिए लाई। एक और ले लें, एक और ले लें। अच्छा चलिए बात तो पूरी होती, चलिए वो कंटिन्यू कर लीजिए और डिस्कनेक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, उसामा हाशमी बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे सर साहिल अदीम से एक क्वेश्चन करना था। जी जी जरूर कीजिएगा। सर साहिल अदीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और सबसे पहले तो रियली ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू, बहुत खुशी हुई आपको देख के। और सर असल में मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा ही हूँ, तो ये मतलब बताना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं उसके लिहाज से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जिस तरीके से बात करते हैं कि आपने सबसे पहले जब तक आप अपने घर को फतह नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ डू यू डिफाइन दिस डेफिनेशन के घर को फतह करने का मकसद मतलब क्या है? फतह करने से मुराद क्या जीत जाना ही फतह होता है, या फिर आप मतलब जैसे अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल लें, उन्होंने जिस तरीके से अपने वाले साहब से कहा, उनके वाले साहब ने नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके दरमियान और मेरे दरमियान फिर इस्लाम ही है, मैं फिर इसको इससे नहीं हट सकता, तो क्या वो फतह नहीं थी? मतलब हाउ डू डिफाइन कि घर को फतह करना ही पहले जरूरी है, एक चीज। और दूसरी चीज, आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज ये कि मसलहत और हिकमत को डिफाइन किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं ना वो मतलब किसी को कह रहे हैं कि यार किसी से झूठ बोलने, और झूठ बोल के कहते हैं कि यार मेरे पीछे इसका ये मामला था तो मैं ये करवाना चाहता था, क्या ये भी हिकमत होती है? तो जस्ट ये दो क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। और दो सवाल हो गए हैं, अगर रू एक ही है इसलिए मैं आपको बता दूं, आज़र जो है ना, आज़र वो एक एक्सेप्शन है कुरान पाक में, वरना आता ही ना उसका जिक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से उस बंदे ने तकलीफ दी है, जिस तरीके से अल्लाह की दुश्मनी की है, कि वो एक खास जैसे फिरौन है, बिल्कुल उस तरीके से ही आज़र का कैरेक्टर हमें अल्लाह ताला ने बताया कि किस लेवल तक इंसान जा सकता है अपने बेटे के, अपने ही बेटे के ऊपर। सो फतह किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह को चूज़ किया, जब एक लेवल यहाँ तक आ जाए, वही मैं आपसे कह रहा था ना अभी शुरू में, कि बगावत तब करनी है जब आपके माँ बाप अल्लाह के बागी हो जाएं, तो आप अपने माँ बाप के बागी हो जाएं। बहुत आसान सी बात है, जो बंदा अपने जो जिसके माँ बाप अल्लाह के बागी नहीं है उनके बागी तो नहीं होना ना, उनकी इत्तबाई तो इस्लाम है, उन्हीं के थ्रू तो आप दुनिया में आए हैं, उन्हीं के थ्रू तो आपने उन्हीं के पैरों में अल्लाह ताला ने जन्नत रखी हुई है। मगर आदर की एक्सेप्शन है जो आपने किया, हमारे मुसलमान माँ बाप हैं, मैं जब कहता हूँ कि अपने बाप को फतह ना करें तो दुनिया की बात ना करें, इसका मतलब ही होता है कि आपके अंदर शाइस्तगी हिल्म नहीं है अपने माँ बाप को इस कल्चर के अंदर जरासीम जो आते हैं हम सब के, वो अगर माँ बाप के अंदर से नहीं निकाल सक रहे आप, और हमारे माँ बाप भी बस वो दुपट्टा करने को इस्लाम समझती हैं अम्मी, और बाकी कुछ नहीं करती, पाँच नमाजें समझ के समझती हैं कि मेरा काम हो गया, और दीन के ऊपर आपकी डिवेलपमेंट और स्ट्रक्चरिंग नहीं करती, आपके अंदर वो हिम्मत का एलिमेंट नहीं डालती जिसमें वाकई में आपने बड़े काम करने हों। जितना पाकिस्तानी मुसलमान का असल में पाकिस्तान औरत मर्द मिला के एक मसला अगर बताया जाए तो वो उसकी बुजदली है। जिस टाइम हमें पता चलेगा ना कि इस्लाम असल में हिम्मत मांगता था और 25 करोड़ बुजदली इकट्ठे हो गए थे, तो हमें ज़ाहिर है फिर पनाह अपनी नमाजों के नीचे ही लेनी थी, अपने रोज़ों के नीचे ज़कात और हज के नीचे लेनी थी। यही हो रहा है, इसलिए पे नवाज शरीफ और ये जरदारी टाइप लोग आ जाते हैं, ऐसे तो नहीं आ जाते ना, किसी वजह से आते हैं कि इनको पता था इन्होंने कुछ भी नहीं करना नीचे। सो ये माँ बाप को फतह करने की जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, वो ये है कि जिस तरीके से आपने दुनिया के सामने हिम्मत दिखानी है वो बहुत छोटी हिम्मत है, अपने ही बाप को हिल्म के थ्रू तहजीब के थ्रू, ज़ाहिर है बदतमीजी तो नहीं कर सकते अपने बाप के साथ, मगर वो मानेंगे थोड़ी, वो उस मानने के लिए आपको जो क्रेडिबिलिटी चाहिए कि आपका अपना बेटा बड़े होकर आपको इल्म दे रहा है, आपको आपकी तस्हीह कर रहा है, आपको उस रास्ते पे लेके जा रहा है जो वाकई अल्लाह उसके रसूल का रास्ता है, वो ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, ये सीरा से भी हमें पता है कि बड़े बूढ़े नहीं माने थे, हालांकि अपने ख़ानदान के थे नबी अलैहिस्सलाम के, नहीं माने थे, ईगो आ जाता है, बाबा कभी भी नहीं अपना ट्रैक बदलता, यूथ के थ्रू चेंज आती है। तो वो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा ईगो ये आता है कि सारी उम्र ज़ाया हो गई मेरी, कल का बच्चा मुझे बताएगा कि मैं गलत था, जिसका मतलब है मैं मेरी दानाई ज़मीन पर, मेरी दानिशमंदी ज़मीन पे, मेरी फरासत ज़मीन पे, सारा कुछ अकारत हो गया। ये इतना बड़ा ईगो है जिसको किबर के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने बच्चों की बात इसलिए नहीं सुनते, उसको भलांग के जाना है आपने बगैर किसी फिर मैंने कहा बाप आपसे बदतमीजी करेंगे तो फिर तो इस्लामी मतलब तो आप तो इस्लाम में कुछ भी नहीं लगते। ये सारा का सारा काम तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, बेशक आपको वो थप्पड़ मारें, डंडे मारें, चप्पल मारें, बाप है वहाँ पे गैरत क्यों ट्रिगर होती है हमारी, खाएं मार उनकी, मगर उनको सबसे पहले दोजख से बचाएं।
سب سے پہلے اپنا باپ اور اپنی ماں کو دوزخ سے بچائیں, اور وہ کیسے بچائیں, تاکہ ان کو صحیح حق کی طرف لے کے آئیں, اور ان کو بتائیں کہ جسٹ بیکاز آپ کہتے تھے کہ نواز شریف یا زرداری یا جو بھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے ہی چوز کرنا ہے. میرے پاس بہت بڑی چوائس تھی, اس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ٹریک کے اوپر میں چیک کروں گا, چاہے آپ غلط ہوں, چاہے یہ غلط ہوں, چاہے میں غلط ہوں, اسٹینڈ سے لے کے اور اس ان تک ہی پہنچانا میرا اصل میں مقصد ہے. یہ ہے باپ کو فتح کرنے کی 1-2-3 اسٹریٹجی. اب اس کے لیے کیا ہوگا, اللہ کی قسم خون نکلے گا, سب سے زیادہ خون پسینہ اسلام نکالتا ہے آپ کا. جہاں پہ آسانی ہو سمجھ لیں کہ معاملہ کچھ شیطانی ہو رہا ہے, اسلام سب سے ٹف ٹریک ہے. اگر شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا راستہ ہموار ہے تو سمجھ لو کہ راستہ اسلام کا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور آپ کو مسئلے نہ آئیں. سو یہ ہمارے دیکھیں ہمارے کلچر میں وہ ہندوؤں سے سیکھا ہے نا, گیتا سے آیا ہوا ہے, کہ جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے, یہ کام نہ کریں. یہ ایگزیکٹ الٹ فلسفہ اسلام کا, کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو پھر تو روڑے آئیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمت چاہیے. سو پاکستانی امی جو پچھلی دو نسلوں سے, اور پاکستانی ابو جو پچھلی دو نسلوں سے, وہ ہزار ہزار سال کی دعائیں کرتے ہیں. میرا بچہ ہزار سال کا, ہزار سال کی ماں جو دعا کرنے والی ماں ہوتا ہے اس کا بچہ بزدل پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, کیونکہ ہزار سال زندہ رہنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے, چھپ کے زندہ رہو. نہ آپ کو بیماری لگے گی, نہ تیر, نہ گولی, نہ کوئی تلوار, چھپ کے رہیں گے تو ہزار سال زندہ رہیں گے. اور اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں تو پھر تو جلدی مریں گے, پھر آپ ظاہر ہے پھر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. سو یہ جن لوگوں نے, جو خاتون نے پہلا سوال کیا تھا نا, وہ کامیابی میں جو بتا رہا ہوں نا, جو آپ کو پتہ چلے انڈیکیٹر, وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں مائیں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو جب بھی موت دینا, آپ نبی کے سیرہ پہ موت دینا, سنت پہ موت دینا, اعلیٰ موت دینا, بے شک اعلیٰ زندگی نہ دینا. ٹھیک ہے, اگر اعلیٰ زندگی دی تو صرف میرے نبی کی سیرہ پہ اعلیٰ زندگی دینا. میرا نبی غریب, میرے صحابی, میرا علی غریب, میرا ابو بکر غریب, میرا عمر غریب, مگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہم نے ارب ڈالر رکھا ہوا ہے. ان کو نہیں سمجھ آئی, ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی. سو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب 82 ارب ڈالر نہیں ہے جو بل گیٹس کے پاس پڑے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اس سے زیادہ با عزت آدمی کوئی نہیں ہے میرے لیے دنیا میں. بغیر بولے دل میں سوچے کہ میں کتنی لکی ہوں کہ ایسا با عزت آدمی میرا شوہر ہے. میرا بیٹا دیکھے تو مجھے کہے کہ اس جیسا بنوں گا تو میں جنت میں ہی جاؤں گا. میری بیٹی دیکھے تو کہے کہ یہ نہ ہوتا تو میں دوزخ میں چلی جاتی. یہ ہوتے ہیں ربانہ آتے ہیں پھر دنیا حسنہ کے انڈیکیٹرز, کہ جب آپ کے اپنے احباب اور آپ کے دوست اور آپ کے لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ٹریکس نظر آ رہے ہوں, رادر کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے چھوٹے چھوٹے بونے باہر آتے ہیں نا جو پاکستان میں, ان کو دیکھ کے نکاہت ہوتی ہے, ان کے اپنے گھر والے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کب مرے گا تو اس کی پراپرٹی ہمارے نام لگے گی. سمجھے, یہ گھر گاڑیاں اور بڑے بڑے دفتر اور سی ای او شپ سے نہیں کچھ ہونا. اب میں جانتا ہوں ان سی ای اوز کو, ان کی بیوی ان کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہیں, ان کے بچے ان کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیویاں تہجد میں, اللہ کی قسم تہجد میں, اپنے شوہروں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہی ہوتے, اگر یہ اینٹ پتھر گارا تو پھر تو فرعون اس دعا کا زیادہ وہ ہو گیا, مستحق اور کام لے گیا, سارے بازی لے گیا. حضرت عمر بن خطاب نے نبی اسلام کے جبے کو ایک دفعہ دیکھا اور کہا, اور رو پڑے کپڑوں کو دیکھ کے کہ میرا نبی ایک ہی کپڑے ہر جگہ پہ پہنتا ہے. تو نبی اسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ روتا کیوں ہے, تو حضرت عمر نے کہا آپ کو ڈیلیگیشن ملنے آ رہا ہے, اور وہ کس قسم کے حلیے میں ہیں, مطلب کتنے شہانہ حلیے میں ہیں, اور آپ دنیا کے سردار, اور آپ کا میں یہ کپڑے دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. نبی اسلام نے کہا کہ عمر, تو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے. تجھے اس لیول کی حضرت عمر کی ٹریننگ تھی کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے جب چابیاں لینی تھی نا بیت المقدس کی, ان یہودیوں سے جن کے انہوں نے واپس لی ہوئی ہیں, تو ابو عبیدہ نے کرسچنس نے چابیاں دینی تھی, تو حضرت عمر گئے تھے چابیاں لینے, تو وہ سٹی آف ڈیوڈ جو ہے نا, جہاں پہ اس وقت ٹیمپل ماؤنٹ ہے, وہ ڈھلان میں ایسے کر کے نا وہاں نالا گزرتا ہے, وہاں پہ تو آپ کا پورا تو خیر شہر بنا دیا انہوں نے, بند کر دیا. تو حضرت عمر کا اونٹ جب نیچے گیا تو وہ ظاہر ہے اس وقت نالے میں وہ گارا تھا, تو حضرت عمر کا جبہ یہاں یہاں تک مٹی میں بلیک کلر کی مڈ میں اٹا ہوا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ بھاگ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے ان کے ٹاپ کے پادری سارے جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے ابھی یو آر دا ریپرزینٹیو آف دا مسلمس, تو آپ میری قمیض بدل لیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ اس وقت قمیض کے کیا حالت ہو گئے. تو حضرت عمر نے ایسے گربان پکڑ لیا ابو عبیدہ کو, ان سے کہا کہ اس
तू मदीना से इतना दूर आया है या इस्लाम से इतना दूर आ गया, तुझे ये कब से इंडिकेटर हो गए हैं फिर दुनिया हसना के, कि जो तूने सोच लिया है कि कमीज में बदल लूं, ये 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 गारा ही है और ये प्रिंसिपल्स ही हैं जिनकी वजह से ये चाबियां हमें दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, हम फाते हैं इस वजह से, ये इन लोगों के ये दो नंबर असूल थे जिनकी वजह से ये मफतू हो गए हैं। ठीक है, और आप खुद सोच लें कि हमारे क्या असूल हैं, हमारे हमारी नस्लों ने हमें जिस तरीके से पेनिट्रेशन करके बताई है काफ़ी सारी चीज़ें हाइब्रिड मॉडल में, हम भी वही वाले इंडिकेटर्स रखते हैं इस वक्त अपने दिलों में जिसकी वजह से हम मफतू हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जितनी सीरा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको सुपीरियर साइकोलॉजी का पता चलेगा, उतने ज़्यादा बेसिक इंडिकेटर्स और आइडेंटिटी क्लियर होगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना का असल में मतलब क्या है, तब कहीं जाके पता चलेगा कि उसके साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि सूरह बकरा की आयत है और अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इनकी नफ्सियात दुनिया में फंसी हुई है, इसका मतलब ये है उनसे कहो कि अल्लाह के मानने वाले तो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, तो ये मतलब ही है कि हम ये जो हसना का लफ्ज़ है आखिरत से रिवर्स इंजीनियर करेंगे कि आप नहीं चाहते कि हम आखिरत के मज़े लूटें, ठीक है, और ये सब लोग दुनिया के। सो ये हमारे इंडिकेटर्स जो है ना, ये जो पहली खातून ने सवाल किया था उनको मैं बता रहा हूँ, आप माँ होंगी, बीवी होंगी, आप बेटी होंगी, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना आपका वो है वॉश आउट वट एवर योर फादर वॉज गिविंग यू एंड मेक श्योर दे डोंट गो इन टू योर सन्स। जब आप माँ बने तो आप वो वाली माँ बने कि आपके बेटे कल को ये बोलें कि इसकी वजह से मैं बच गया आग से, ये है आपकी कामयाबी के दुनिया के इंडिकेटर्स। जो दुनिया में आपके बच्चे और आपका शौहर बोले कि इस औरत की वजह से ना मुझे बाहर घर में से बाहर भी दो नंबरी की ना करते हुए डर लगता है कि इसको कैसा मुंह दिखाऊंगा मैं अपना, जिस दिन इसको पता चल गया कि मैं बाहर जना और शराब और चोरी चकारी करता रहा हूँ, इस औरत के सामने नहीं मैंने अपने अपना वकार गिरने देना, ये होता है दुनिया में कामयाबी का इंडिकेटर। जी मैं ज़ारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मुझे आपसे बात करनी है, जो जस्टिस साहिबा हैं और आयशा साहिबा हैं, पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा आपका जो है ना आज पैनल है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं साहिल साहब। लेकिन मेरा सवाल है, खवातीन क्योंकि मौजूद हैं तो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि मैं ये फील करती हूँ कि हमारे माशरे में और सबसे ज़्यादा मज़लूम है, अगर देखें तो मज़लूम दिखाई जाती है और उसकी बेटी ज्यादा आती है, अगर वो रोती होती है दिखाई जाती है औरत कि वो सास के शोहर के जुल्म बर्दाश्त कर रही है, इसी तरह अगर वर्क प्लेस पे भी औरत की स्ट्रगल है तो अगर मेल और फीमेल सेम डेजिग्नेशन पे भी काम कर रहे हो तो उनका पे रोल जो है पे पैकेज है वो सेम नहीं होता और वहाँ पे हर मतलब बहुत से चैलेंजेस होते हैं फीमेल्स के लिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस्लाम में भी औरत मज़लूम ही है, इस्लाम भी औरत को राइट्स देता है कि और या माशरा नहीं राइट्स देता, तो इस बारे में मैं चाहूंगी कि जस्टिस साहिबा और आयशा जो है वो जस्टिस साहिबा सवाल आपने सुना है, एक तो ख्वातीन के हवाले से, माओं के हवाले से साहिल साहब ने भी बात की है, फिर आज खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा को भी याद फरमा रहे हैं उनकी